So, what is logic behind analysis of variance? Why we are comparing the variances instead of means? Uh, I have talked about in analysis of variance we are comparing a different groups and we want to see how they are different. Hamari, for example, driving or use of phone, have two variables, hai, and we want to see the use of phone, kitni variability lekar driving performance ke इसका मतलब है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर सबसे पहले तो हम टोटल वेरिएबिलिटी कैप्चर करते हैं कि हाउ मच वेरिएबिलिटी इज़ एक्सप्लेंड और अकाउंटेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल या मैनिपुलेटेड वेरिएबल इन द डिपेंडेंट वेरिएबल तो हम उसमें टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं अपने मैनिपुलेटेड वेरिएबल या फिर हमारे डिजिग्नेटेड कोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ज़रिए जो कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल में लेके आ रहे हैं सो अनालिस ऑफ वेरियंस का मतलब है कि हमने उस वेरिएबिलिटी का अनालिसिस करना उस वेरिएबिलिटी कौन सी वेरिएबिलिटी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रही है हम अनालस कैसे करेंगे अनालिस का मतलब है कि वी वुड बी डिवाइडिंग दैट वेरिएबिलिटी इनटू स्मॉलर पार्ट्स यानी हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट की वजह से कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है यानी मैनिपुलेटेड वेरिएबल की वजह से कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है और हमारे अनसिस्टमेटिक और रैंडम एरर फैक्टर्स की वजह से कितनी वेरेबलिटियाँ आ गई देखिए हमारे फ़र्ज करें तीन ग्रुप्स हैं तीन ग्रुप्स में एक में हमने फ़ोन uh, नहीं दिया एक में हमने फ़ोन दिया है एक में हमने हैंड्स फ्री दिए हैं और हर ग्रुप में फ़र्ज करें हमारे पांच पांच लोग अब उन पांच पांच लोगों में एक तो फ़र्क ड्राइविंग में आएगा उस मैनिपुलेटेड वेरिएबल की वजह से लेकिन उन पांच लोगों की परफॉर्मेंस भी डिफरेंट होगी कुछ लोग अच्छे ड्राइवर होंगे कुछ लोग बुरे होंगे कुछ लोगों की परफॉर्मेंस विद इन ग्रुप बुरी होगी कुछ लोगों की परफॉर्मेंस विद इन ग्रुप बहुत अच्छी होगी तो दे विल बी डिफरेंट स्कोर्स विद इन दैट वन कंडीशन और वन ग्रुप तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का लॉजिक यही है कि हम पहले टोटल वेरिएबिलिटी को कैप्चर करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से या अनसिस्टमेटिक वेरिएबल्स की वजह से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है और फिर उस वेरिएबिलिटी को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर प्योरली देखें कि एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं एंड यू वांट टू नो कि हाउ मच यूज़ ऑफ फोन इज एक्चुअली अफेक्टिंग ड्राइविंग परफॉर्मेंस तो फिर हम उसको एक्सप्लेन uh, कर सकें कि इस वेरिएबल का इतना कंट्रीब्यूशन है uh, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर तो एनालिसिस ऑफ वेरियंस प्रोसेस डिवाइड्स द टोटल वेरिएबिलिटी इनटू टू पार्ट्स नंबर वन बिटवीन ट्रीटमेंट्स वेरियंट एंड नंबर टू विद इन ट्रीटमेंट वेरियंस जिसकी हमने अभी बात की नेचुरली वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बिटवीन ट्रीटमेंट्स क्योंकि हमने एक थेरेटिकल बेसिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पिक किया और हमें पहले पता है कि इसका इफ़ेक्ट होगा तो हम मेनली उसके मैनिपुलेटेड वेरिएबल में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी चेंज या कितनी वेरिएबिलिटी लेकर के आ रहा है बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो एरर वेरियंट्स के जो हमारे अदर वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं जो विद इन ग्रुप होते हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे डिपेंडेंट uh, वेरिएबल में तो so, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बिटवीन ट्रीटमेंट वेरियंस दिस सिंपली माइअर्स हाउ मच डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द ट्रीटमेंट कंडीशन सो दे आर टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिज बिटवीन ट्रीटमेंट डिफरेंसिस

ट्रीटमेंट वेरियंट हैं या जिनको हम एरर वेरियंट्स भी कहते हैं और वो यूजली हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं मसलन एक ही ग्रुप के अंदर uh, लोगों की देयर लर्निंग कैपेसिटी इज़ डिफरेंट देयर इंटेलिजेंस इज डिफरेंट देयर पर्सनालिटी इज़ डिफरेंट देयर ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज डिफरेंट सो देयर मेनी अदर फैक्टर्स जो कि उसमें कंट्रीब्यूट uh, कर सकते हैं दर्ज द विद इन ट्रीटमेंट वेरियंस प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ हाउ बिग बेगा डिफरेंस आर वन नाल इज ट्रू यानी अगर हम समझते हैं कि हमारे तीनों ग्रुप्स इक्वल हैं तो विद इन वेरियंस बताता है कि वो एरर uh, वेरियंस उसके अंदर कितना है इवन इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू द एफ रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने बताया कि हमने लॉजिक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की ये है कि वी वांट टू नो द टोटल वेरिएबिलिटी और फिर हमने कहा कि चूंकि हम इसको एनालिसिस कह रहे हैं वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स नंबर वन दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट Number two, that is because of the unsystematic random error uh, within factors or individual differences. F ratio basically is uh, the uh, ratio of between variance and within variance. So we would divide the between variance uh, by within variance to calculate the F ratio. We will do it shortly. For ANOVA, the denominator of the F ratio is called the error term. We have that within various denominator. और बिटवीन वेरिएंस जो हमारी ट्रीटमेंट कंडीशंस की वजह से है वो हमारा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर है बिकॉज इनोवा टिपिकली इज़ यूज टू एग्जामिन डेटा फ्राम मोर देन टू ट्रीटमेंट कंडीशन एंड मोर देन टू सैम्पल्स वी नीड टू नोटेशनल सिस्टम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द and टोटल not, uh, चूँकि हमने कहा है कि एनोवा के अंदर हम पहले टोटल वेरिएबिलिटी देखेंगे फिर हम उनको डिवाइड करेंगे विद इन और बिटवीन में फिर हम उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखेंगे और फिर हम एफ एफरेशो कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द नोटेशनल सिस्टम स्टेप बाय स्टेप जो कि मैं हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में उसको सॉल्व करेंगे एजम्पन uh, एनोवा की वही है जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट की हैं जो हमने टी टेस्ट में की थी यानी uh, सबसे पहली एजम्पन है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन की यानी हमारे सैम्पस इंडिपेंडेंट हैं दूसरी हमारी है अंडरलाइन पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है जो हमने टी टेस्ट करते हुए डिटेल में एजम्पन्स की थी यू कैन सी दैट अगेन पॉपुलेशन फ्रॉम विच द साम्पस आर सिलेक्टेड मस्ट हैव इक्वल वेरिएंस होमोजनाइटी ऑफ वेरिएंस हमने टी में भी की थी और इनोवा के अंदर भी हमारी वही एजम्पन है होमोजनाइटी ऑफ वेरिएंस बड़ी इंपॉर्टेंट एजम्पन है इनोवा के अंदर क्योंकि हम मेनली चाह रहे हैं कि ट्रीटमेंट का इफेक्ट है यानी डिफरेंस इन द ड्राइविंग परफॉर्मेंस इज ड्यू टू यूज़ ऑफ फोन और नो फोन लेकिन अगर ऑलरेडी वो बहुत डिफरेंसेज ग्रुप्स के अंदर हैं विद इन वेरियंस ही बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि फिर ट्रीटमेंट का इतना रोल नहीं है ग्रुप्स आर ऑलरेडी वेरी डिफरेंट इसलिए हमने अपनी जम्शन करनी है कि जो हमने थ्री ग्रुप्स बनाए हैं द वेरियंस और वेरिएबिलिटी अक्रॉस थ्री ग्रुप्स इज इक्वल और उसके लिए हम वैसे ही लेवेंस टेस्ट कैलकुलेट करते हैं जैसा हम टी टेस्ट में करते थे और बाकी हमने बात कर ली कि आई वी हमेशा हमारा कैटेगोरिकल होता है और डी वी हमेशा हमारा कंटिन्यूस होता है इनोवा हमारा बड़ा रोबस्ट टेस्ट है अगर हमारी होमोजनाइटी ऑफ वेरियंस की एग्जामशन मीट नहीं भी होती और फुलफिल नहीं भी होती तो हमारे पास इनोवा हमें अदर ऑप्शन देता है जैसे हमारे पास वेल्चे टेस्ट है और ब्राउन फोर टेस्ट है अगर आपकी होमोजनाइटी की यानी लेवेंस टेस्ट की वैल्यू सिग्निफिकेंट आ जाती है तो यू हैव अदर ऑप्शन टू गो फॉर 12 chain brown forcia test which we will run while in SPSS uh, and see कि हमारे पास कितने ज़्यादा provisions in OVA के अंदर हैं इसी तरह अगर आपका parametric assumptions fulfill नहीं हो रही जैसे अगर आपकी underlying population normal नहीं है या independence की observation नहीं fulfill हो रही तो आप non parametric test use कर सकते हैं और alternative for ANOVA in uh, non parametric list is Kruskal Wallis test